स्वस्थ मन का और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो, तो उस पर ही विभाग द्वारा पूरा फोकस किया गया है कि बच्चों को जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यू का जो है उस पर पूरा ध्यान रखा जाए ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। फिर साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड अप्रोच सारे डिपार्टमेंट्स जिसमें रहती हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर है, इस तरह की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए जो है वो उनके आहार का एक मूल रूप बन सकती है, मूल स्रोत बन सकती है, तो वो उस पर फोकस करके ताकि उनको हम अपने जीवन में शामिल कर सकें। ताकि आजकल जिस तरह के कंसेप्ट दूसरी खाने पीने की चलती फिरती चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है, तो उससे थोड़ा हटकर कम से कम जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बच्चों को मिलनी चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए। इस पर बच्चों ने और आंगनवाड़ी इनके जो केंद्र हैं और इनके जो CDPOs हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, इनके जो अपरो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, तो वो सब लोगों को साथ लेकर के ये मैसेज को जो है वो फील्ड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस पखवाड़े के माध्यम से, ताकि ये पूरी हर जगह में इन चीज़ों के बारे में इसका ज्ञान जो है वो प्रसारित किया जा सके और लोगों को इसकी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और उसका वो लाभ उठा सके, तो यही प्रयास आज होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो देखिए पोषण पखवाड़ा चल रहा है और उसी के तहत यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, और ये देखिए ये इस वर्ष जो है वो मोटा अनाज काफ़ी मिलेट ईयर के नाम से इस बार जो है वो सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। और ये देखिए क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बने हैं, ज्वार का चिल्ला, बाजरे का चिल्ला, ज्वार के आटे की सूप, रागी का हलवा है, बाजरे की रोटी, सांवे की खीर, देखिए बाजरे के सिड्डू, और ये बाजरे के लड्डू, सांवे का पुलाव, देखिए क्या कुछ जो है वो देखिए केले के पकौड़े, ये देखिए ये केले के पकौड़े हैं, और ये गुलगुले, मक्की की रोटी तो आप जानते ही हैं, ये देख सकते हैं आप, आटे का हलवा, ये देखिए गोभी के पकौड़े, बत्थू के लड्डू, देखिए सेब की बर्फी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये सभी जो हैं वो पौष्टिक आहार में आते हैं, और इसी की यहाँ पर देखिए प्रदर्शनी इन्होंने लगाई है, ये कुछ प्रोडक्ट भी यहाँ पर आपके सामने लगाए गए हैं उत्पाद के लिए। पोषण पखवाड़ा चल रहा है, उसके तहत ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें पंजाब के हिमाचल के साथ।